केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हरियाणामध्ये बोलत आहेत, आपण जाऊया. सैनिक और सैनिक बल के परिवारों को 20 लाख रुपया मिलता था, ये वीर भूमि के मुख्यमंत्री ने 20 लाख को बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक शहीद के सम्मान में देने का काम किया है. प्रति व्यक्ति आए जो राज्य कैसा चलता है उसकी द्योतक होती है. पहले प्रति व्यक्ति आए 1,45,000 रुपया थी और आज 1,35,000 से बढ़कर 2,26,644 रुपया करने का काम मनोहर खट्टर की सरकार ने. हरियाणा के अंदर 24 घंटा बिजली स्वप्न थी, आज 8 जिले और 4,000 गांवों में 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी है. मित्रों, किसान को गन्ने, गेहूं, बाजरा, सूरजमुखी लगभग 2-2 गुना समर्थन मूल्य देने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया है. प्रति व्यक्ति दूध की खपत जो सूख को दर्शाती है, पहले 747 ग्राम था, अब 1 लीटर से ज्यादा 25% की बढ़ोतरी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने की. और बिजली पर सरचार्ज सरकार का 77 पैसे से 1 रुपये 32 पैसे तक था, आज 77 और 1 32 से घटाकर 37 पैसा सिर्फ बिजली पर सरचार्ज करने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने. मित्रों, नीचे आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनाई और ऊपर मोदी जी की सरकार बनाई, और मोदी जी का हरियाणा के लिए जो प्यार है वो कोई छिपा प्यार नहीं है. मोदी जी हरियाणा को अपना राज्य मानते हैं, हरियाणा के विकास में जाते हैं. मैं सिर्फ जींद की बात करता हूं. चौधरी साहब यहां बैठे हैं, 64 फुट का दीन बंधु छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में. हिसार के अंदर बहुत जल्दी एविएशन सेवाएं एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और हिसार भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो. इस तरह से 200 करोड़ के निवेश के साथ हिसार एयरपोर्ट को बनाए. 35 किलोमीटर लंबी जींद हाथी रेल लाइन और 900 करोड़ रुपया उस पर लगाया. जींद रिंग रोड बाईपास का निर्माण पूरा होने वाला है, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ ये 3 साल के अंदर पूरा होगा. जींद से सोनीपत तक ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है. 509 करोड़ की लागत से पुराने सोनीपत जींद तक जुड़ी हाईवे को 4 लेन करने का काम भी हाथ पे ले लिया है. जींद से पानीपत और जींद से दिल्ली रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू हो चुका है. 1 ही साल के अंदर ये इलेक्ट्रिफिकेशन समाप्त हो जाएगा. जींद से बठिंडा तक की रेलवे लाइन भी इलेक्ट्रिक लाइन बनने वाली है. जींद शहर में 3 बड़े ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है. आप वोट डालोगे तब तक उस पर से आपकी गाड़ी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम. 2 अंडरपास बनाए हैं और 400 करोड़ की लागत से जींद में पानी लाने के लिए कैनाल का निर्माण भी शुरू हो चुका है. मित्रों, जींद शहर में नए बस स्टैंड का काम पूरा हो गया है. स्टेट हाईवे 10 का निर्माण 135 किलोमीटर जो जींद बरवाला अग्रोहा आदमपुर और भादरा को जोड़ता है वो भी शुरू हो चुका है. और हॉकी स्टेडियम का निर्माण भी 10 करोड़ के रुपए से जींद के अंदर इसी क्षेत्र के अंदर शुरू करने का काम किया है. लगभग 600 से ज्यादा युवाओं को नौकरी भी दी है. और प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया है हरियाणा के लिए, दिल्ली के खजाने खोल दिए. कांग्रेस के सारे नेता और चौटालैंड कंपनी, उसको मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकारें होती थी कितना रुपया हरियाणा को मिलता था भाई? हिसाब लेकर चुनाव के मैदान में जाइए. मनोहर लाल जी आंकड़े लेकर जाएंगे, हम आंकड़े लेकर जाएंगे.
सर्टिन फाइनेंस कमीशन था, हुडा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। और पांच साल में 13 फाइनेंस कमीशन में आपने 22,000 करोड़ रुपया दिया। जोर से बोलो जिंद वालों, कितना दिया? मैं फिर से बोलता हूं, 22,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया था, 22,000 करोड़। जोर से बोलो कितना दिया? नरेंद्र मोदी सरकार और खट्टर सरकार आई, 14वें वित्त आयोग में 14 से 19 तक 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 58,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, लगभग 2.5 गुने से ज्यादा पैसा दिया। और इससे पूरे हरियाणा के रोड, रस्ते, गांव, शहर सबको